बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिए गए हैं, यहाँ तक कि उनकी एक्सटेंशन हो गई है और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। अब एक वो सबसे बड़ी खबर इस केस में निकल कर आ रही है जो कि सभी फैंस के लिए काफी हैरानी वाली है। दरअसल इन ऐसी फिल्मों को बनाने को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के आरोप में राज कुंद्रा को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तो और ही बड़ा खुलासा सामने आ रहा है जो कि शिल्पा शेट्टी के रोने धोने को झूठा साबित कर सकता है। और जो सारे ही सामने मामले आ रहे थे कि शिल्पा शेट्टी को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें सेलिना जेटली के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि सेलिना जेटली को भी शिल्पा शेट्टी की एक एप्लीकेशन के लिए अप्रोच किया गया था। अब ये तो काफी ज्यादा हैरानी वाली चीज है कि अब तक हम राज कुंद्रा को मान रहे थे असली विक्टिम यानी असली गुनहगार, लेकिन अब यहाँ पर जो सामने निकल के आ रहा है उसमें तो ये साबित हो रहा है कि शिल्पा शेट्टी इनकी एप्लीकेशन के लिए सेलिना जेटली को कॉन्टेक्ट किया गया था। तो वही जो कि प्रोफेशनल के लिए एक डिसेंट जो ऐप है, और सेलिना को होट शॉट के लिए अप्रोच नहीं किया गया, उन्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं। शिल्पा सेलिना की एक अच्छी दोस्त थी, दोनों अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं, इसलिए सेलिना को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया था। जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो उस वक्त सेलिना दूसरी कमिटमेंट्स में बिजी थी, इसीलिए उसे ज्वाइन नहीं कर पाए। इससे पहले सेलिना ही नहीं कई और बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इसके लिए अप्रोच किया गया था। बता दें कि 19 जुलाई को पुलिस ने जिस तरह से इनको अरेस्ट किया है राज कुंद्रा को, अब भाई नए नए चीजें सामने आ रही है। जिस एप्लीकेशन के लिए अब यहाँ पर सेलिना जेटली ने अब बात कही है, अब उस पर भी जो है एक तरह से इस केस पर वो कर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी देखना ये है कि कौन सी एप्लीकेशन थी जिसके लिए सेलिना जेटली को भी अप्रोच किया गया, यहाँ तक कई बॉलीवुड स्टार को भी कॉन्टेक्ट किया गया है। अगर कुछ खुलासे होंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी शिल्पा शेट्टी को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और इस मैटर में अभी काफी ज्यादा खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक अभी यहाँ पर चीजें सामने आ रही है। यहाँ तक की सीसीटीवी फुटेज और इनके मोबाइल के डेटा को भी रिकवर किया जा रहा है, जिसमें काफी कुछ खुलासे हो सकते हैं। अब सेलिना जेटली ने जैसे ये खुलासा किया कि उन्हें भी अप्रोच किया गया था, लेकिन एक प्रोफेशनल वर्क के काम के लिए अप्रोच किया गया था। अब यहाँ पर शिल्पा शेट्टी की भी कोई एप्लीकेशन है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सेलिना जेटली के इस खुलासे के बाद ने हो सकता है शिल्पा शेट्टी पर भी कोई नया केस दर्ज हो।